थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू कम एंड डेफिसिट हियर। बच्चे लोग दीवार कूद के आता है, दीवार के ऊपर जो ग्रिल था तोड़ दिया है और आके पैर को नुकसान करता है, काट के ले जाता है। आई एम डॉक्टर एनसी सरकार। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ D-169/8। इट इज ए बैलेंस लैंड, ए पीस ऑफ लैंड ऑफ नोएडा अथॉरिटी। सो मिस्टर शाहिद मेट मी देयर इन स्कूल एट सेक्टर 158। आई टोल्ड अबाउट रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन ऑफ दिस प्लॉट एंड ही एग्रीड। ही केम विजिटेड एंड टोल्ड मी इट इज एन आइडियल प्लेस फॉर प्लांटेशन। फ्रॉम दैट डे द प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड हियर। बिफोर दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू कम एंड डेफिसिट हियर। मैं मिस्टर एन एस वर्मा, मिस्टर महेंद्र शाह, मिस्टर एस सी सेठी, हम लोग यहाँ खड़ा होके लोगों को भगाता था कि यहाँ टट्टी नहीं करने का है। लोग नहीं मानते थे, कहाँ जाए, खड़ा होके रिवोल्ट करता था। ये झुग्गी झुपड़ी के बच्चे लोग दीवार कूद के आता है, दीवार के ऊपर जो ग्रिल था तोड़ दिया है और आके पैर को नुकसान करता है, काट के ले जाता है। उसका रक्षा के लिए पीपल बाबा काफ़ी तत्पर है। बाउंड्री वॉल को थोड़ा ऊंचा करने का विचार विमर्श कर रहा है और हो सकता है इसके बाद हम लोग बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पेड़ पौधा का नुकसान नहीं होगा, चिड़िया आराम से यहाँ रहेंगे। तो जब से प्लांटेशन शुरू हुआ, सफाई शुरू हुआ, पीपल बाबा और उनका टीम रेगुलर विजिट करता है, यहाँ सफाई होता है और माली रखा हुआ है जो पानी डालता है। पीपल बाबा का टीम के लोग आता है, सफाई करता है, पेड़ों में पानी देता है। फिर साथ साथ ये किचन गार्डन भी जो रहने वाला है इन लोग डेवलप किया है। किचन गार्डन में सारे सब्जियां होता है, गाजर, मूली, धनिया, पालक एंड व्हाट नॉट। फ्लावरिंग ऑल्सो इज देयर। तो ये जगह पहले तो ये नरक था, अब स्वर्ग जैसे बन गया है। हम लोगों को मन लगता है, हम लोग यहाँ आके टाइम पास करता है, पेड़ों को देखता है, हजारों चिड़िया यहाँ रहता है, गाना गाता है। तो ये जगह अभी नोएडा में एक आइडियल प्लेस हो गया है। इट इज़ नॉट ए पार्क, इट इज़ ए डीप फॉरेस्ट। तो इसमें पीपल बाबा का बड़ा सहयोग रहा, बहुत मेहनत करता है, पेड़ों को बहुत प्यार करता है और हम लोग बड़े खुश है इस डीप फॉरेस्ट में। ये स्वर्ग हो गया है। लोग यहाँ पीपल बरकत का पेड़ का नीचे पूजा करता है, केला का पेड़ को पानी चढ़ाता है और ये कई पेड़ है, नीम का है, तुलसी का है, जो हमारे 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बीज, तीनों बी यहाँ अवेलेबल है। पीपल बाबा शुरू में ही कहा था, व्हेन द ट्रीज विल ग्रो देन यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, द बीज विल कम एंड यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। वी आर वेरी हैप्पी हियर। इट इज़ एन आइडियल प्लेस आके घूमने का, देखने का, बैठने का, पेड़ों को सेवा करने का। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग आता है, एस सी एल से लोग आता है और भी कई जगह से लोग आता है, देखते हैं, पेड़ों को पानी डालता है, उनको भी अच्छा लगता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी स्वच्छ भारत अभियान में ये भी एक पार्टिसिपेशन है। लोग पूजा के लिए फूल यहाँ से ले जाते हैं। वी आर वेरी हैप्पी हियर एंड वी आर थैंकफुल टू पीपल बाबा एंड हिज टीम।